हाय फ्रेंड्स, आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है इंडक्शन कुकटॉप प्रेस्टीज का, जिसका मॉडल नंबर है PIC 16.0+। ये काफ़ी अच्छा इंडक्शन मुझे लगा और मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ भी कर रही हूँ। इसका इंडक्शन प्लेट जल्दी गर्म नहीं पड़ता है जब आप यूज़ कर रहे हैं, प्लस इसका कॉर्ड लेंथ भी काफ़ी अच्छा है अगर आप घर पर यूज़ कर रहे हैं तो। और इसमें यहाँ पर डिफरेंट मोड्स दिए हुए हैं यूज़ करने के लिए, जैसे यहाँ पे प्रेशर कुकर है, करी है, डोसा, चपाती, इडली, डीप फ्राई, हॉट हीट वाटर, कीप वार्म सॉस, इन सब के लिए मोड्स दिए हैं। प्लस इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें टाइमर भी है और पॉज और प्ले का बटन भी है, जिससे जब आप इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको रोक भी सकते हैं बीच में। अब मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाती हूँ। तो जब हम इसे ऑन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से ऑन होता है। और जब आप इसको यूज़ करें तो सबसे पहले आप अपना बर्तन रखें, उसके बाद ही आप इसका ऑन बटन दबाएं, अदरवाइज़ इंडक्शन जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और ये पैन को डिटेक्ट नहीं करता है तो यहाँ पे EC लिख के आता है, जो एरर होता है। और कई बार हमें लगता है कि शायद हमारा इंडक्शन एक ख़राब इंडक्शन मिला है हमें। यहाँ पे मैंने इसको हीट मिल्क पे सेट किया है। और इसमें यहाँ पे टाइमर का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसको 15 मिनट या 30 मिनट के लिए रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 30 मिनट का टाइमर लग गया है। और ये यहाँ पे पॉज और प्ले का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट मोड्स हैं हमारे पास, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। ऐसा नहीं कि अगर मेरे को पानी गर्म करना है तो मैं सिर्फ हीट मिल्क पे ही यूज़ करूँगी, मैं प्रेशर कुकर पे भी रख सकती हूँ और अकॉर्डिंगली टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैंने करी, डोसा, चपाती, सारे मोड्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए होते हैं। बट इसमें यही होता है कि जैसे अगर आप डोसा या चपाती कर रहे हैं तो वो एक हाई टेम्परेचर सेट कर देता है, इसीलिए हर मोड के लिए डिफरेंट हाई टेम्परेचर्स होते हैं जो आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा कीप वॉर्म वाला है वो एक 240 का जो टेम्परेचर है उसी पे सेट रहता है और वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं होता है। प्लस यहाँ पे एक डोसा चपाती का भी ऑप्शन आता है, वो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं होता है। ये हमारा पॉज और प्ले का बटन है, ताकि जब भी हम यूज़ कर रहे हैं इंडक्शन को और हमें अगर किसी वजह से अपना पैन हटाना पड़ रहा है तो हम उसको दबा सकें। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर हम चलते हुए इंडक्शन पे ही पैन हटाने लगेंगे तो वो एरर शो करता है और जिससे हमारा इंडक्शन ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप यूज़ कर रहे हैं और आपको अपना पैन चलते हुए इंडक्शन से हटाना है तो आप पॉज और प्ले का बटन दबाइए और तभी अपना पैन हटाइए, जिससे इंडक्शन काफ़ी अच्छे टाइम तक चल सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट डिफरेंट मोड्स आपको ऑन यूज़ करके दिखाए हैं। डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स भी होते हैं इसके। और डोसा और चपाती का जो मोड है उस पर मैंने आपको पहले ही बताया था टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं हो पाता है, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सेट रहता है, क्योंकि जब हम डोसा और चपाती बनाते हैं तो हमको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं होता है। इंडक्शन को जब हम ऑफ़ करते हैं तो उसमें से एक आवाज़ आती है, जैसे अभी आपको सुनाई दे रहा होगा। इसका मतलब होता है कि उसके अंदर का चिप वगैरह सब ठंडा हो रहा है। तो जब हम पावर बटन से ऑफ करते हैं, जब ये आवाज़ ख़त्म हो जाती है तभी हम इसको प्लग पॉइंट से ऑफ़ करें, अदरवाइज़ इंडक्शन ख़राब हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।